अस्सलाम वालेकुम, कैसे भी आप टिकटॉक यूज करते? यकीन माने इतना मजा आता है टिकटॉक यूज किया करें। अच्छा, बहुत मजा आता है। आप नमाज पढ़ते हो? नमाज कभी कभी, रोजाना पढ़ा करो, उसमें सुकून भी आएगा और मजा दोनों आएंगे। छह साथी फौत हो गए तो उनका बेटा पीए में कैप्टन था, जहाज उड़ाता था, तो उन्होंने कहा बेटा नमाज पढ़ लिया कर। कहा अब्बा फुर्सत नहीं मिलती, बहुत काम होते। अच्छा चलो, नमाज के वक्त एक आदमी को दावत दे दिया कर, पांच नमाजें हैं, पांच दफा दावत दे दिया कर। वो कहने लगा मैं दावत दूं? खुद तो मैं पढ़ता नहीं, दूसरे को कैसे दावत दूं? कहा बेटा एक तो मेरी मान ले, नमाज का इनकार किया तो ये तो मान ले कि चलो किसी को कह दिया करके भाई नमाज पढ़ा करो। कहा चलो ये तो आसान है, मैं कह दूंगा। तो उसने अपने अब्बा की बात मान ली, हर नमाज पे एक दो को कह देता भाई नमाज पढ़ा करो। उसके वालिद फौज में जर्नैल थे, ये कैप्टन था, दोनों की मुलाकात नहीं हुई। छह महीने बाद बाप बेटा की मुलाकात हुई तो देखा तो कप्तान साहब की दाढ़ी भी और माथे पे मेहराब भी। उन्होंने कहा बेटा ये क्या हुआ? कहा आपने मुझे फंसा दिया। वो जब मैं लोगों को कहता रहा तो मेरे अपने ऊपर असर होना शुरू हो गया कि मैं अपने आप को मलामत करने लगा कि औरों को तू कह रहा है, खुद तो तू पढ़ता नहीं। कहा इसने मुझे खड़ा किया और मैं नमाज पे आया। फिर एक दिन शेव करने लगा, शीशे में खड़ा देख रहा था, तो मैंने कहा जब अल्लाह को सजदा कर रहा हूं तो चेहरे पे नबी की सुन्नत भी होनी चाहिए, तो मैंने सेफ्टी भी फेंक दी।